नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी के सामने मात्र दो शब्द लेने मात्र से ही आपके पास सब कुछ होगा। दोस्तों, इस दुनिया में माता रानी अपने भक्तों के हर दुख हर कर उनके सभी दुश्मनों का नाश करती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं। शारदीय नवरात्र में दोस्तों माता शक्ति की, माता रानी के 9 अलग अलग शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है और माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा से माता अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती है। उनके भक्तों को जिंदगी में जितनी भी समस्याएं आती है उन सब सुख समेत। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ के दूसरे स्वरूप की महिमा नव दुर्गा में दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। दोस्तों, इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्मलीन में रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। छात्रों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो उनके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करना अनुकूल होता है। दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी अपने सभी भक्तों की हमेशा हमेशा के लिए सभी दुखों का नाश कर देती है। दोस्तों, मैं आपको ये उपाय बताऊं उससे पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ ब्रह्मचारिणी लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ही ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन आपको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय होने से पहले ही आपने उठ जाना है और नहा धोकर अच्छी तरह से स्वच्छ हो लेना है। नहा धोकर स्वच्छ होने के बाद आपने अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर घर को एकदम शुद्ध और पवित्र बना लेना है। दोस्तों, उसके बाद जहाँ पर आपने घट स्थापना और माता रानी की तस्वीर को रख रखा है उस जगह की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी है और साफ सफाई करने के बाद उस जगह पर भी गंगा जल का छिड़काव कर उसको भी शुद्ध और पवित्र बना लेना है। दोस्तों, उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या फिर सफ़ेद वस्त्र अगर आप पहने तो बेहद ही ज़्यादा शुभ रहता है। उसके बाद आपने माँ को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करनी है, जैसे कि मिश्री, शक्कर या फिर पंचामृत। दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी जी को जिस वक्त आप पंचामृत का भोग लगा रहे हो उस वक्त आपने एक खास मंत्र को बोलना है। दोस्तों, ये मंत्र इस प्रकार से है, जाप ददाना करपद्याभ्याम क्षमा लाकमंडलु देवी प्रसिद्धतु मही ब्रह्मचारिणी नुपतमा। इस मंत्र को आपने दोस्तों 21 बार जाप करना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं लेकिन उनको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति अगर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करें तो वे लोग बेहद जल्द अपनी मेहनत का पूरा फल मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि जहाँ देवी भगवती की कृपा पाने का विशेष पर्व है, वहीं इन 9 दिनों में अलग अलग स्वरूपों के कई उपाय अपनाए जाते हैं। जो भी इन उपायों को करता है और इन्हें अपनाता है उनकी जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और मन मांगी मुराद मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें करते समय कभी दूसरे व्यक्ति का इसमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। वहीं दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन आप लोगों ने दान का विशेष ख्याल रखना है। जी हाँ दोस्तों, दान करने से व्यक्ति का धन कभी भी कम नहीं होता है, इसीलिए
आदमी को हमेशा दान करना चाहिए। दान हमेशा ऐसे लोगों को ही करें जिनको उस दान की आवश्यकता हो, उस धन की जरूरत हो। दोस्तों, आप हमेशा आपके आसपास, आपके अड़ोस पड़ोस या आपके शहर में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती होगी। तो दोस्तों, अगर आप सच में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो कम से कम इन 9 दिनों तक ऐसे व्यक्तियों की सेवा करें और उन व्यक्तियों को आप कम से कम एक समय का खाना उपलब्ध करवाएं। दोस्तों, ये जो धर्म, ये जो धन आप कमा रहे हैं, सेवा का धन, ये धन आपको इसी ज़िंदगी में माता रानी की कृपा से आपको लाखों गुना वापस से प्राप्त होता है। तो मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों की सहायता करें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ शैलपुत्री, जय हिमालय पुत्री भी आप लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस कथा का लाभ प्राप्त हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय माँ शैलपुत्री। जय